ताक ली जा ताक। जा गा ली जा तू। तो ये लड़की छलांग मारती है आज नीचे। यक नीली उड़ से जा पुन से घूमना। तो अभी यहाँ देखना ये बच्चा पार्टी यहाँ पे ये ऋतिक हाल लगा के ऋतिक की हालत देखो। और अभी बस दो खेतरे रखे हैं उसके बाद जाएंगे हम घर। अकुबार कुछ आकू की मम्मी की कॉल आई थी उसे घर मत भेजना मत। अगर उसकी ऐसी इसकी हालत देखो ये देखो इसका पजामा इसकी हालत देखो। और इसकी मम्मी ने पता क्या बोला क्या बोला तेरी मम्मी ने कंडाली रखूंगी बोले आज इसको मारने के लिए कंडाली। यहाँ पे दादी और अब जो ऊपर का खेत है वहाँ पे पानी लगा रही रुपाई के लिए। तो अभी इस वाले खेत में नाच फेंक रहे हैं और मौसम का कोई भरोसा नहीं है। कभी बारिश हो रही है कभी कुछ हो रहा है कभी बहुत ही भयंकर धूप हो रही है और ऊपर के साइड भी लोग लगे हुए रुपाई लगा। खेत में लगा ली हमने और ये दूसरे खेत में हाल लगा लिया और इसको तीसरे खेत लगाना है हमने हाल लगाना है जबरा लाना है इधर ना दिलाना है और लोग चाय पी रहे हैं ठीक है। और अब हम रोपाई करने जा रहे हैं चलो रोपाई करते चलो जल्दी करो रोपाई। हाल बल्ब है और ये छोटी बच्ची है और यहाँ में माए मेरी माए लगती है ये यहाँ से जा रही है इसके नाच की मिट्टी है और यहाँ में मेरी नानी है। तो दोस्तों बस ये वाला खेत बचा हुआ है बाकी ये चार खेत हो गए ये सब के सब आ रहे हैं ऊपर और बारिश भी होने लगी है यहाँ देखो। तो अभी वीडियो तो मुश्किल बनेगा तो आपको घर जाके बनेंगे क्योंकि बारिश में फ़ोन भीग जाएगा। तो ये यहाँ पे लगे हुए हैं बस छोटा सा खेत है एक हमें जा रही हूँ यहाँ पे घर। बारिश होने पर लगी है क्योंकि मुझे भीगना नहीं है रोज़ रोज़ ना। तो अभी घर आ चुकी हूँ बारिश हल्की हल्की होने पर लगी हुई है। ये ऋतिक मेरे से पहले आया था और अभी तक घर नहीं पहुँचा तब तक मैं हाथ मुँह धो देती हूँ फिर सबके लिए और अपने लिए नहाने के लिए पानी भी रखना है अभी क्योंकि सबके सब नहाएंगे आज। ऋतिक पता नहीं कहाँ आया कॉल करती हूँ मैं उसको। दोस्तों चाची और ने ना चाबी ऋतिक के पास दिया था और वो मेरे से पहले घर आ गया था पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो तब से। यार यहाँ बारिश भी हो रही है मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब तक तो मैं नहा भी जाती पानी भी गर्म हो जाता मैं औरों के लिए भी रख लेती अपने कपड़े भी धो देती मुझे आधा घंटा होने वाला है यहाँ पे कसम से। और कोई कोई लोग सोचते होंगे कि मैं ब्लॉग के चक्कर में गांव आती हूँ
तो मैं किसी किसी का डाउट वो करना चाहती हूँ, मतलब बदलना चाहती हूँ, सोच चेंज करना चाहती हूँ लोगों की। तो जिन्हें ऐसे लगता है कि मैं ब्लॉक के चक्कर में गांव आती हूँ, तो उन्हें शायद से अच्छे से पता नहीं होगा, मैं ना पहले से ही रोपाई के टाइम पे या इस टाइम पे या फिर मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं गांव आती जाती रहती हूँ। वो हमारे गांव में सबको पता है कि मैं पहले से ही, मुझे वैसे गांव पसंद है और मैं गांव आती जाती रहती हूँ। जब मैं ब्लॉग नहीं भी बनाती थी तब भी आती थी, तब तो मैं ज़्यादा ही आती थी क्योंकि तब उस टाइम पे मनीषा थी ना यहाँ, तो उस टाइम पे मैं कुछ ज़्यादा ही आती थी। और जैसे 10th 12th में 3-3 महीने की छुट्टी पड़ती थी तब भी मैं आई हूँ, और जब भी मतलब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती थी, कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ती थी, मैं सीधे गाँव आती थी। और ये टाइम जो ये वाला मौसम है ना, ये वाला टाइम, ये दिन है ना, इन दिनों में अलग ही मज़ा है गाँव में। और अभी पता नहीं कहाँ गया ऋतिक। तो बस मैं यही बोलना चाहती थी कि अगर किसी को लगता है मैं ब्लॉक के चक्कर में आती हूँ तो अपनी सोच चेंज कर लो। मैं पहले से ही, मुझे गांव पसंद है, और जब से हम ऋषिकेश गए हैं तब से मतलब हम आते जाते, हम नहीं मतलब मैं, मेरी मम्मी तो, मम्मी और तो होता है यार घर में किसने रहना ये वो सो, लेकिन अभी तो हम फ्री हैं तो भाई मैं तो गाँव आती जाती रहती हूँ। और यार ऋतिक पता नहीं कहाँ गया, हाँ गुस्सा आ रहा मुझे, उससे अच्छा तो मैं वहीं रहती हूँ उनके साथ। मुझे पता होता ना वो अभी तक नहीं आता तो मैं नहीं आती। तो दोस्तों कख लगाणु छी के मा लगाणु छी ये पहाड़ की, अरे ऋतिक पागल है कि पता क्या हुआ ऋतिक ना, दादी ने, मैंने घर पे सुना था, मतलब सॉरी खेत में सुना था, दादी ने ऋतिक को बोला जब घर जाएगा चाबी ले लेना, क्योंकि चाबी आज गलती से मेरे पास आ गई, वरना घर पे ही रखी रहती थी चाबी, छुपाई रहती थी मतलब। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, और ऋतिक तो घर पे आया होगा, मुझे लगा वो अभी तक नहीं आया क्योंकि वो अकबर को घर छोड़ने गया था, ठीक है। और मैंने सोचा अभी आएगा क्योंकि वो गाँव की साइड से आया, मैं शॉर्टकट आई, और क्या बोलूँ मैं, आधा घंटा बाहर खड़े रहने के बाद मैंने बोला यार ऋतिक कहाँ चला गया। मैंने यहाँ तो दादी कोई और चाबी की बात कर रही होगी, फिर जाके मैंने चाबी देखी यहाँ की साइड और मुझे चाबी मिल गई। और ये देखो मैंने दरवाजा भी खोल दिया, अब मुझे लग रहा ऋतिक पागल ने पता क्या किया होगा उसने, ये देखो यहाँ पे हमारा डॉग, इसको भी मैंने रोटी दी बस अभी क्योंकि इसको भी भूख लग गई होगी, बस घूमता रहता है ये इधर उधर। और क्या बोलते हैं, फिर ऋतिक ना नहाने के लिए पिंडरा गया होगा वो भी इस बारिश में, वो वहाँ मतलब लड़के लोग जाते हैं ना बहुत सारे, तो आग जगाते हैं वहाँ पे, तो पिंड्रो नहाते हैं, तो मुझे लग रहा ऋतिक वहीं गया होगा और उसने चाबी छुपा ली होगी, ठीक है। फिर ना मैं यार आधे घंटे तक बाहर पे रुकी थी, मैंने सोचा क्या पता ऋतिक मुझे छुपा मतलब वो कर रहा होगा, मुझे आगे पीछे से मुझे डरा के आएगा, मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही। और मैं ये भी सोच रही यार काश दरवाज़ा खुल जाता, अभी तक तो मैं पता नहीं क्या क्या कर देती लेकिन ऋतिक चाबी घर रख के गया पिंटरों नहाने के लिए, और मैं पागल हूँ कि मैंने देखी नहीं चाबी। बस मेरे दिमाग में वही रहा कि दादी ने खेत में बोला ऋतिक जब घर जाएगा चाबी लेके जाना, मेरे दिमाग में ये नहीं, पर यार मुझे ये भी था इतनी बारिश हो रही है, बारिश में थोड़ी ना वो ऋतिक नहाने के लिए जाएगा। तो बस यही यार, तो अभी फिलहाल मैंने चूल्हे में पानी रख लिया है, और खाने में मतलब नाश्ता तो हमने खेत में कर लिया था, और अभी 1 बज चुकी है, और नाश्ता साइड से हमने 11:30 बजे किया, 11:30 बजे किया होगा। तो अभी फिलहाल चूल्हे में आग जगा दी, अब नहाने के लिए पानी रख लिया है, और मैं सोच रही हूँ शॉर्टकट ही मतलब थोड़ा मतलब बना ही लेती हूँ, और पोहा है घर पे तो पोहा ही बना लेती हूँ। अभी हम चार ही हैं, दादी, मैं, चाची और ऋतिक, तो हम चारों के लिए पोहा बना। यहाँ अंदर ये देखो यार चूल्हे पे पानी रखा हुआ है चाची के लिए, सॉरी चाची तो जा रही है नहाने के लिए, दादी के लिए। और ये रहा डंडना, तो ये है हमारी स्पेशल पहाड़ी पोहा जिसमें कि प्याज के पत्ते भी डाल रखे हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, लेकिन जब सब आएंगे तब खाएंगे ये पोहा हम।